चल फाइनली एक वीडियो बना ही देता हूँ हाउ टू प्रिपेयर विदाउट कोचिंग। तो कुछ लोगों ने बोला तुमने तो विद कोचिंग के लिए पूरा सीरीज ही बना दिया, विदाउट कोचिंग वालों का क्या। तो बात ऐसी है कि मैं बहुत सारे वीडियोस बनाते आया हूँ जो विदाउट कोचिंग स्टूडेंट्स के लिए भी हैं और बहुत सारे वीडियोस जो उनके लिए ही हैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ टाइटल देके नहीं बनाया तो तुम लोगों को समझ में नहीं आया। तो ठीक है, मैं कंसाइज करके तुम्हें बता देता हूँ कि किस तरह से तैयारी करना है। मैं एक सिंपल सीरीज़ में बताते जाऊँगा, बिल्कुल सिंपल मैनर में बताऊँगा, तुम्हें 5 स्टेप्स बताऊँगा जिससे तुम्हारे दिमाग में क्लियर आइडिया बन जाएगा कि तुम्हें क्या करना है अगर तुम कोचिंग नहीं ले रहे हो, किस तरह से तैयारी करना है। एक वीडियो मैंने बनाया था कि शुड आई ज्वाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट, उसके बाद कुछ लोग सोचने लगे कि आशीष ने बोला कि बिना कोचिंग के तो ये एग्ज़ाम निकलेगा ही नहीं। मैं ऐसा क्यों बोलूँगा जब 3 बार अगर मैंने तैयारी करी है उसमें से 2 बार मैंने खुद बिना कोचिंग के तैयारी करी है, और कितने सारे वीडियो में मैंने खुद ही बताया कि देखो विदाउट कोचिंग तो छोड़ो, उसने तो फाइनल ईयर में ही निकाल लिया। 2017 का रैंक वन जो था वो फाइनल ईयर में विदाउट कोचिंग गेट में रैंक वन लेके आया, तो यानी कि ऑब्वियसली पॉसिबल है। मैं क्यों बोलूँगा और मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, ठीक। बस एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी और एक प्रॉपर डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। और बहुत सारे अंडर 100 रैंक आ चुके हैं, मैं मैकेनिकल का भी बात कर रहा हूँ, मतलब बाकी फील्ड में तो बहुत ज़्यादा कॉमन है लेकिन मैकेनिकल में जहाँ कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है वहाँ भी कितने सारे अंडर 100 आ रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है ना कि उन्हें गाइडेंस मिल रहा है, जैसे कुछ कुछ कॉलेजेस हैं जैसे BIT सिंदरी है, बहुत कम लोग जानते होंगे लेकिन बहुत लोग जानते भी हो, वहाँ पे क्या होता है ना सब कोई फाइनल में ही निकालते हैं। और एक दो कॉलेज तुम्हें दिख जाएगा दिल्ली के आसपास, गाजियाबाद में एक दो कॉलेज दिख जाएगा, MMM, ये सब वहाँ पे सीनियर जूनियर का इतना अच्छा इंटरेक्शन है ना कि उन्हें सब कुछ पता है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा टेस्ट सीरीज देना, उन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए। तो वो वहीं से तैयारी कर रहे हैं और फाइनल ईयर में ही निकाल रहे हैं और इतना अच्छा गाइडेंस है। तो बहुत लोग को तो मैंने ऐसा देखा है कि बाद में कोचिंग भी नहीं लेना पड़ा फाइनल ईयर में, ठीक है उसके बाद भी कॉन्फिडेंस है, ठीक है खुद से तैयारी कर लेंगे। मैं क्यों बोलूँगा बिना कोचिंग के नहीं निकल सकता, मैंने बार्क और इसरो में अपने दोस्तों को देखा, उन्होंने कोचिंग ही नहीं लिया कभी, वो आ गए बार्क घुस के इसरो घुस के। तो बिल्कुल तैयारी कर सकते हो, हाँ लेकिन मैं तुम्हें डायरेक्शन दे देता हूँ क्योंकि डायरेक्शन के बिना बिल्कुल बस मेहनत करने से तो नहीं होता। सही डायरेक्शन में तुम्हें बता देता हूँ किस तरह से तैयारी करना है, तो एक कंसाइज मैनर में मैंने तुम्हें बता दिया इस वीडियो में। देखो पहला स्टेप स्टडी मटेरियल पे आता है कि तुम्हें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टडी मटेरियल पर मैंने एक वीडियो बनाया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए कि देखो सब कुछ फ्री है, तुम अगर पढ़ना चाहो तो फ्री फोकट में पढ़ोगे, अगर नहीं पढ़ना चाहो तो पैसा देके भी नहीं पढ़ पाओगे। क्योंकि तुम देखोगे बहुत लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं फिर भी क्या कर लिए, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं किए, तो फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट जाके भी लोग नहीं कर रहा, बिना कोचिंग के भी कितने लोग कर रहे हैं, कितने लोग को देखा मैंने अंडर 100 रैंक लेके आया बिना कोचिंग, ठीक। तो उस वीडियो में सब कुछ बताया हुआ। अब आता है जैसे ही स्टडी मटेरियल आता है ना लोग पूछने लगे ऑनलाइन कोचिंग, बहुत सारे ऑनलाइन कोचिंग है, बहुत सारे लेक्चर्स तुम्हें ऑनलाइन अवेलेबल, आजकल तो बस भरे पड़े हैं, जिसे देखो वो बना रहा है, यूट्यूब में भी बना रहा है, सब जगह बना रहा है, मेरा कोर्स लो ये करो, ठीक है यार देखो अब तुम कुछ भी मत ले लेना। अब मैंने पिछले साल का डेटा से मैं बता रहा हूँ जो स्टूडेंट्स मेरे गाइडेंस में कर रहे थे तैयारी, और मतलब मैंने तो कभी भी ऐसे सजेस्ट नहीं किया कि ये टेस्ट सीरीज ले लो या फिर ये ऑनलाइन कोचिंग ले लो, लेकिन उन्होंने ले लिया उसके बाद मुझे बता रहा। तो उन्होंने क्या बताया कि ले लिया कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग और ऐसे ही 15,000 से 30,000 40,000 का भी आता है, और कुछ लोगों ने तो 2-2 ले लिया, ठीक है ले लो, उसके बाद उनका गेट का कट ऑफ तक नहीं निकल रहा। अब तुम मुझे समझाओ तुमने इतना पैसा खर्चा कर लिया और तुम्हारा कट ऑफ भी कैसे नहीं निकल रहा, मतलब 2016 में तो कोई ऑनलाइन कोचिंग नहीं, मैंने एक बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का बुक पकड़ा था उसे मैं सॉल्व करता था, उससे मेरे 50 नंबर आ गए क्योंकि मैंने जो भी स्ट्रैटेजी बनाया था वो ठीक है काम कर रहा था, बहुत सारी गलतियां भी करी, मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिला था लेकिन फिर भी 50 नंबर तो आ ही गया। तो तुम्हारा कट ऑफ कैसे नहीं निकल रहा, क्योंकि सिर्फ पैसा खर्चा करने से कुछ नहीं होता, सही डायरेक्शन में तैयारी कर लो। तो जो भी ऑनलाइन कोचिंग लेना चाह रहे हैं, देखो ऑनलाइन कोचिंग कुछ अच्छे भी हैं, मुझे पता है कुछ अच्छे हैं कुछ खराब हैं, उस पर भी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, नीचे कमेंट करो अगर तुम्हें चाहिए तो, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है। जो अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, अरे स्टार्ट तो करो, तुम स्टार्ट करने के लिए एनफ मटेरियल है तुम्हारे पास, 2-3 सब्जेक्ट तो है ही जो तुम फ्री फोकट का पढ़ सकते हो, जैसे मेरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लेक्चर्स है फ्री का अवेलेबल है। तुम सोच रहे हो विदाउट कोचिंग मैं ये ले रहा हूँ, पता है तुम्हें पिछले साल विद कोचिंग जो लोग कोचिंग के साथ तैयारी कर रहे थे ना उसमें से 1-2 लड़कों को मैं जानता हूँ जो कोचिंग का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लेक्चर छोड़ दिए और मेरे ऑनलाइन लेक्चर फॉलो करके जल्दी जल्दी खत्म कर दिए, क्योंकि वहाँ पे कोचिंग में उन्हें 100 घंटे में पढ़ा रहे थे, मेरा तुम्हारा जल्दी हो जा रहा है ऑनलाइन देखने से। तो ऐसा अगर लोग कर रहे हैं तो तुम विदाउट कोचिंग क्यों नहीं उसका यूटिलाइज करो, अगर वो फ्री का अवेलेबल है तो वो पूरा एक सब्जेक्ट है, उसे करो देखो एक मोमेंटम मिलेगा, उसके बाद तुम्हें लगेगा कि हाँ ये सब्जेक्ट मुझे ऑनलाइन कोचिंग लेना ही पड़ेगा तो ले लेना, मैं बता दूंगा कहाँ से लेना है। लेकिन अभी पैसा फेंकने से कुछ नहीं होगा, अभी टेस्ट सीरीज ले लिया, अभी ऑनलाइन कोचिंग ले ली, सब ले लिया, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। पढ़ना स्टार्ट करने के लिए तुम्हें पैसे की ज़रूरत नहीं है,
तो स्टडी मटेरियल का वीडियो देखो, और मेरे वीडियो के हिसाब से तो सब कुछ ही फ्री है। अगर तुम में वो मोटिवेशन रहेगा तो एक आना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, तुम फ्री का पूरा अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस कंप्लीट करोगे। अब बाकी जो इंजीनियरिंग कोर्सेज में है, मुझे पता है मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, सब जगह से, यार बायोसाइंसेज, फिजिक्स भी है, लेकिन मैं तुम्हें स्टडी मटेरियल नहीं बता सकता क्योंकि मैंने एक ही बार ग्रेजुएशन किया है, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में था। अब मैं तुम्हें बताने जाऊँगा तो मेरा दिमाग घूम जाएगा क्योंकि मुझे किसी से कंसल्ट करना पड़ेगा और फिर भी एक वीडियो बनाना पड़ेगा, तुम्हारा इंजीनियरिंग में कैसे समझो, ठीक। तो वो तुम्हें अपने सीनियर से बात करना होगा कि कहाँ से पढ़े। तो वो अगर एक बार तुम्हारा मटेरियल मिल जाता है ना, तुम्हें समझ में आ जाएगा अच्छा इतना पढ़ना है मुझे। उसके बाद आता है स्टेप टू कि एक लॉन्ग टर्म प्लान तुम्हें चाहिए। तुम्हें पता चल गया अच्छा इतना पढ़ना है, अब मेरे पास इतना टाइम है, मेरे पास 6 महीना है, मेरे पास 7 महीना है, तो किस तरह से डिवाइड करें कि मेरा अच्छा से तैयारी भी हो जाए, अच्छा से मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, टेस्ट सीरीज भी दे दूं, रिवाइज भी हो जाए। इसी में आता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। इस पे मैंने एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो देख के कुछ लोग बोल रहे थे कि ये विदाउट कोचिंग के लिए भी है, विद जॉब के लिए भी है, फिजिक्स के लिए भी है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, किसके लिए, क्या ये सिर्फ मैकेनिकल। अरे वो सबके लिए, सबके लिए प्लानिंग वैसा ही होता है। तुम एक एग्जाम का तैयारी कर रहे हो ना, तो उसी तरह से तैयारी होता है। उसमें मैंने कहां सब्जेक्ट स्पेसिफिक कुछ भी बोला, वो सबके लिए। उस वीडियो को देखो और उस हिसाब से अपना एक प्लान बनाओ। तुम किसी भी सिचुएशन में हो, जॉब कर रहे हो, एमटेक कर रहे हो या फिर घर पे बैठे हो, सबको वो प्लान तो चाहिए ही, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि किस तरह से हमें तैयारी करना है। क्योंकि फाइनली जो एग्जाम तुम दे रहे हो ना, वो सबको ही देंगे। तुम किस तरह से वहाँ पहुँचे वो मैटर नहीं करता, तुम उस दिन वहाँ पे क्या करते हो, और उस एग्ज़ाम को अच्छे से देने के लिए उस तरह का कंप्लीशन होना चाहिए सिलेबस का, उस टाइप से रिवीजन कंप्लीट होना चाहिए कि पैरेलल रिवीजन भी हो गया, साइक्लिक रिवीजन भी हो गया, इतना टेस्ट सीरीज भी दे दिए, सब कुछ हो गया। तो उस तरह से तुम्हारा स्टेप टू आता है कि एक प्लान बनाओ। स्टडी मटेरियल आ गया, प्लान बना लिया तुमने, अब आता है एग्जीक्यूशन कि तुम एग्जीक्यूट कैसे करते हो। तो स्टेप थ्री यही है कि तुम्हें एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट में आता है शॉर्ट टर्म प्लानिंग, डेली बेसिस में अपने आप को टारगेट दो। अब तुम्हें पता है कि ठीक है एक महीना में तुम्हें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल खत्म करना है, ये तुम्हें कैसे पता चला, लॉन्ग टर्म प्लानिंग से। अब शॉर्ट टर्म प्लानिंग में आओ, ठीक है एक महीना में खत्म करना है और मेरा 15 दिन खत्म हो चुका है, मतलब और 15 दिन में मुझे खत्म करना है, तो मुझे कल इतना चीज़ खत्म करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से मैं वो टारगेट दो कि ये मुझे कल खत्म कर देना है, तो उस तरह से तैयार करेंगे। अब शॉर्ट टर्म प्लानिंग का जो मैंने वीडियो बनाया था वो था लेसी एपिसोड्स में, मतलब विद कोचिंग वालों के लिए, तो विदाउट कोचिंग वालों ने देखा ही नहीं। अरे ये क्या, उसमें तुम्हें टेक्निक्स बता रहा हूँ तो तुम्हें उसे भी तो यूटिलाइज करना है। क्योंकि देखो विद कोचिंग और विदाउट कोचिंग में एक सिंपल सा छोटा सा डिफरेंस है कि वो जो सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं वो क्लास जाके कर रहे हैं। अब विदाउट कोचिंग वाले अपने से सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद का काम तो सेम है, रिविजन तो तुम्हें भी वही करना है, टेस्ट सीरीज तो तुम्हें भी वही देना है, तो उसे जाके जरूर देखा करो, वो वीडियोज तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो उधर से तुम्हें समझ में आया कि ठीक है शॉर्ट टर्म प्लानिंग किस तरह से करना है, अपने आप को फोर्स करना है ये चीज़ खत्म करने के लिए। इस तरह से तुम एक रूटीन में रहोगे, तुम अपने आप को गाइड कर रहे हो, तुम आगे बढ़ो। तो ये हो गया स्टेप थ्री, जहाँ तुम्हें डेली बेसिस में प्लानिंग करना, जहां पे तुम्हें एग्जीक्यूट करना है। अब स्टेप थ्री जो विदाउट कोचिंग वाले के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो क्या है, डाउट कैसे क्लियर करें। क्योंकि कुछ लोग के पास तो माहौल भी नहीं है, डाउट कहां से क्लियर करें, कोई दोस्त नहीं है, कोई टीचर नहीं है, तो कहां से डाउट क्लियर करें, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। देखो इसी के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप, एक नहीं मैंने 15 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, ठीक है सारे ब्रांच के लिए अलग अलग, मैकेनिकल के लिए तो 4-5 हैं क्योंकि सब भर जाते हैं, ठीक। लेकिन मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का सिंपल सा पॉलिसी है कि मुझे ये ओपन नहीं रखना। मतलब कुछ लोग करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिए तो जो देखो क्लिक करके घुस जा रहे हैं, उसमें एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, पढ़ाई हो नहीं रहा है, पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, वो मुझे चाहिए नहीं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में बस क्वेश्चंस डिस्कस होना चाहिए, और तुम किसी भी जिसका भी अच्छा सक्सेस मिला या फिर कहीं सिलेक्शन हुआ है मेरे ग्रुप से, उसे ज़रूर पूछना, वो बोलेगा ग्रुप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। क्योंकि मैं ग्रुप में कुछ भी बेकार का होने ही नहीं देता हूँ। अगर किसी ने एक बार भी कोई एडवर्टाइजमेंट पोस्ट किया ना, मैं उससे पूछूंगा भी नहीं, मैं उसे ग्रुप से निकाल देता हूँ और उसे ब्लॉक भी कर देता हूँ। समझ में आया? तो इतना स्ट्रिक्ट है वहाँ पे, इसलिए वहाँ सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कशन होता है और इसलिए इतना सक्सेस है। बात के ग्रुप में इतना ज़्यादा सिलेक्शन हुआ, उसके बाद जो भी ग्रुप में बना रहा हूँ वहाँ से सिलेक्शन हो रहा है, गेट में रैंक आ रहा है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम तुम डिस्कस कर सकते हो। ये चीज़ मैं ऑफर कर रहा हूँ तुम्हें, फ्री फोकट का कर रहा हूँ। तो लेकिन अब क्या है ना, कुछ लोग मुझे ऐसे सिंपल सा मैसेज करेंगे ऐड मी टू ग्रुप। अब मैं व्हाट्सएप में तुम्हें क्या रिप्लाई करूँ, मेरे 15 ग्रुप हैं, किस ग्रुप में तुम्हें ऐड करूँ? तो सिंपल सा बात है, अगर ग्रुप में ऐड होना है तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ एक लाइन से, अपना फुल नेम बताओ, तुम किसी ईयर में पास किए हो वो बताओ, अगर पहले कोई गेट एग्ज़ाम दिए हो तो उस वो बता दो, गेट स्कोर क्या क्या है,
और तुम क्यों ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो? 5 लाइन में बस जस्टिफाई तो कर दो कि तुम ग्रुप में घुस के कुछ ऐसा बेकार काम नहीं करोगे, तभी तो मैं तुम पे भरोसा करूं। तो बस इतना लिख के मुझे भेज दो, मैं तुम्हें ग्रुप में डाल दूंगा। और ग्रुप में डालने में लगता है कम से कम 1 सप्ताह लगता है, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, मुझे टाइम लगता है उस ग्रुप में ऐड करने में तुम्हें। तो मैं सैटरडे या फ्राइडे का वेट करता हूँ, तो वेट करो, मैं तुम्हें ऐड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे क्या जा रहा है, ठीक है? तो मैं उस तरह से तुम्हें ग्रुप में ऐड कर दूंगा, तुम वहाँ पर अपना प्रॉब्लम डिस्कशन कर सकते हो। ये चीज़ तुम्हारा विदाउट कोचिंग के लिए एक प्रॉब्लम था कि डाउट कैसे डिस्कस करें, डाउट कैसे क्लियर करें, तो वो मैंने तुम्हारे लिए सॉल्व कर दिया। अब तुम्हारा डाउट डिस्कशन step 4 क्लियर हो गया, तो step 5 में आते हैं कि तुम्हें इस स्टेज में मोटिवेटेड तो रहना ही पड़ेगा, तुम्हें खुद से ही वो एनर्जी लाना पड़ेगा कि मतलब ठीक है थोड़ा डर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, कोचिंग इंस्टीट्यूट में लोग बहुत सही गाइडेंस में पढ़ रहे हैं, लेकिन ठीक है मेरा भी तो कुछ अपना खुद का मोटिवेशन होना चाहिए, खुद का बिलीफ होना चाहिए कि ठीक है मुझे ज़रूरत नहीं है, बिना कोचिंग भी मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है बहुत कम लोगों ने किया, मैं करके दिखाऊंगा। अच्छा किसी ने नहीं किया तो मैं पहला बन जाऊंगा, ठीक। तो मैं 2016 में जब विदाउट कोचिंग तैयारी कर रहा था ना, मेरा ऐसा कुछ छोटा एम नहीं था, मैं सोच के बैठा था IIT बॉम्बे जाना ही है, और IIT बॉम्बे के लिए कैसा रैंक चाहिए तुम्हें पता है। तो उस समय में मैं ऐसा कभी नहीं सोच रहा था, ठीक है ये तो बस ट्राई है, ठीक है ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद कोचिंग ले लेंगे अगले साल। नहीं, करना है तो मुझे इसी समय करना, और अपने से करके मैं निकालूंगा, अगर कोई नहीं मानता तो मैं खुद से करके दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक। तो उस टाइप का मोटिवेशन तुम्हें खुद से लाना पड़ेगा, क्योंकि और तो कोई तुम्हें देने वाला है नहीं। अगर तुम सोच रहे हो कोई तुम्हारा हाथ पकड़ के खींच के ले जाएगा, तो नहीं, इतना ही हाथ पकड़ सकता हूं मैं तुम्हारा, इसके आगे तुम्हें खुद ही चलना पड़ेगा। तो इसीलिए बोलते हैं विदाउट कोचिंग बहुत कम लोग निकाल पाते हैं, क्यों? क्योंकि खुद से रास्ता बनाना है, सब कुछ खुद से करना है, तो करो, अगर कर सकते हो तो करो, पॉसिबल तो है ही, इतने लोगों ने कर दिखाया, तुम भी अगर करना चाहते हो तो करो। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं विदाउट कोचिंग वालों को बताना चाहता हूँ कि खासकर जो लोग कॉलेज वॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो कभी भी मेजॉरिटी को मत देखो। ये एग्ज़ाम जो है ना, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यहाँ पे मेजॉरिटी फेल करते हैं। सिलेक्शन कितना का होता है? 0.1% का, 0.01% का सिलेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे मेजॉरिटी अगर फेल कर रहे हैं, तो मेजॉरिटी को नहीं देख सकते कि वो नहीं पढ़ रहा है, ये नहीं पढ़ रहा है, ये मस्ती कर रहा है, मैं भी कर लेता हूँ, वो नहीं कर सकते तुम। और मेजॉरिटी का सुन भी नहीं सकते कि मेरा भी एग्ज़ाम खराब हो गया। एग्ज़ाम के बाद देखना, सबका एग्ज़ाम खराब हुआ है, ठीक है, सबका एग्ज़ाम खराब हुआ है। तुम्हें लगा अच्छा इस बार पेपर डिफिकल्ट था, ये मैं 3 बार दे चुका, सब बोले अच्छा इस बार पेपर डिफिकल्ट था, पेपर डिफिकल्ट नहीं था, समझ में आया? वो लेवल वही रहता है हर साल। वो क्या होता है कि तुम्हें अगल बगल जो दिखेंगे मैक्सिमम का एग्जाम खराब हुआ, तो तुम्हें लगा अच्छा ठीक है इस बार तो कट ऑफ गिर जाएगा, समझ में आया? तो कभी भी मेजॉरिटी को मत देखना, क्योंकि माइनॉरिटी का ये एग्जाम निकलता है। और हमेशा बुलेट प्रूफ कॉन्फिडेंस तुम्हें खुद से रखना, ये मैं तुम्हें रोज रोज आके सुबह सुबह नहीं बता सकता कि तुम कर सकते हो, ये तुम्हें खुद से लाना कि हाँ मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ, बाकियों ने किया है, मेरे पास भी उतना ही कैपेबिलिटी है, मैं भी कर सकता हूँ। किसी के बोलने का कभी भी मत सुनना कि हाँ नहीं निकलेगा, टाइम पर बात कर लो, तुम ये कर लो, तुम छोटे एग्जाम का तैयारी कर लो, तुम कुछ और कर लो। अगर तुम सोचो ये करना है तो फुल एफर्ट दो, 6 मंथ तक एफर्ट दो, जब तक ये एग्ज़ाम देके निकलते नहीं हो तब तक रुकना नहीं है। उस हिसाब से अगर तुम चलोगे तभी जाके ये एग्ज़ाम निकलेगा विदाउट कोचिंग। तो सब कुछ मैंने बता दिया 5 स्टेप में विदाउट कोचिंग किस तरह से तैयारी करना है, तुम्हें समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करो, मैं वहाँ पे तुम्हारा आंसर करूँगा। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, हर एक कमेंट का, तुम देखे होगे, जाके देख लो, कोई भी वीडियो का पीछे जाके देख लो कि कोई भी कमेंट है उसमें मैं रिप्लाई ना हुआ हो तो, बहुत अच्छा वीडियो वो लिखोगे उसमें भी मैं रिप्लाई करूँगा, थैंक यू, कुछ ना कुछ मैं रिप्लाई करूँगा, समझ में आया? तो तुम्हारा डाउट जो है वो अगर तुम अभी क्लियर कर सकते हो तो क्यों नहीं कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में डालो। और मेरे व्हाट्सएप नंबर या जो भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वहाँ से तुम मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बस 12 घंटे तक रहता है, क्योंकि फिर मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेज आने लगते हैं, तो जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर है, रेगुलर फॉलोअर है, उन्हीं को मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ, बाकी सब कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑब्वियसली अगर 12 घंटे के बाद तो नेक्स्ट वीडियो में जो भी है तुम्हें मिल जाएगा, या फिर बहुत सारे कॉन्टैक्ट के तरीके हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख लो। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।